करे, रोंदे, कुचले, इज्जत इज्जत होती है, चाहे वो किसी ठाकुर की बेटी हो या किसी मजदूर की। पागल हो गया तू? तुझे इंसाफ करने की अकल नहीं है? तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा गजराज। इसके आगे एक लफ्ज भी बोला तो जुबान खींच लूंगा। तेरे औकात मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है और तू मुझे ललकारता है। गजराज ठाकुर ने कभी किसी अंजाम की परवाह नहीं की। अगर परवाह की है तो सिर्फ अपनी आन, इंसाफ, अखलाक और ईमान की। इस लड़की के जन्म, जात, नाम, इसकी कोई अहमियत नहीं हमारी नजर में। अहमियत है तो सिर्फ इसकी इज्जत, इसकी पवित्रता की। जगन्नाथ मांग भर इसकी। गजराज सकी रहो बेटी। जगन्नाथ, अगर तुमने इसे कोई तकलीफ दी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबूजी, भैया, मेरे भाई को मार डाला, मेरे देवता समान भाई को मार डाला। ये क्या किया तुमने? ये कैसा अनर्थ किया? रुक जाओ, छोड़ दो उसे। जो अपराध उसने किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। आज से 18 साल के लिए हम रंजीत सिंह ठाकुर को समाज और बिरादरी से बाहर करते हैं। आज के बाद अगर कोई भी इसके परिवार के साथ किसी भी तरीके का संबंध रखेगा तो उसको भी यही सजा मिलेगी। यह गजराज ठाकुर का फैसला है। बाबूजी, धर्मराज, न्याय करने वालों के लिए रिश्ते और जज्बात कोई मायने नहीं रखते। बेटे, जान चली जाए पर आन ना जाने पाए, जान देकर जो आन की रक्षा करता है वही न्यायाधीश, इंसाफ के आकाश की बुलंदी को